हमारे लिए हमारा लक्ष्य इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वास्तव में हमारा मार्ग इम्पोर्टेंट है। सभी लोगों को शुरू से ये कंडीशन्ड माइंड दे दिया जाता है सोसाइटी से, स्कूलिंग से, पेरेंटिंग से, पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, कि जो है तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य ही सब कुछ है और यही सब कुछ है। कोई भी ये ढंग से नहीं सिखाता कि नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मार्ग है। मार्ग लंबा होगा, लक्ष्य एक कुछ क्षण में आकर के फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और चीज नए लक्ष्य बन जाएगी, लेकिन जो यात्रा है, इनिशियल पाथ है, वो हमेशा चलता रहता है। हर एक लक्ष्य के बाद और हर एक लक्ष्य से पहले मार्ग जो होता है, जीवन यात्रा का जो मार्ग है, वो हर एक लक्ष्य से पहले भी रहता है और हर एक लक्ष्य के बाद भी चलता है। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए हमारे लिए। वो यात्रा जो है सुखद होनी चाहिए। जिसकी यात्रा सुखद है, जीवन यात्रा, लाइफ जर्नी, तो उसका तो अपने आप ही लक्ष्य सही होगा और सुखद होगा और स्वयं इजीली स्पॉन्टेनियसली प्राप्त हो जाएगा। जिसकी जर्नी पेनफुल है, इतनी पेनफुल है, उसका अगर लक्ष्य सुखद मिल भी जाता है तो भी उसको जो उसकी से जो रिलीफ मिलती है कुछ क्षण की बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसके दिमाग में वही कंडीशनिंग आ जाती है कि अब इसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरी पेनफुल जर्नी लेनी है। अब आपने जो एक लक्ष्य आपको मिल गया, अब आपको उसको मेंटेन करना है, उसको एक्सपैंड, उसे और बढ़ाना है और उसे और अधिक कुछ काम हासिल करना है, तो आप एक और फिर एक पेनफुल जर्नी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे लक्ष्य का। नंबर एक तो हम करेंगे कि हमारे मन के जो डर है या वहम है जिससे हम ग्रस्त हो जाते हैं, जो कि समय समय पर जब हम कोई भी काम करते हैं या अकेले होते हैं, सुबह उठते हैं या सोते हैं, तो वो हमें धीमे 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 एक ऐसी अज्ञात फीलिंग देते हैं, अननोन फीलिंग देते हैं, जिससे कि हम बहुत लो एनर्जी फील करते हैं और कुछ ऐसी फीलिंग्स और कुछ ऐसे विचार रहते हैं अनवांटेड, जिनका उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, कुछ ऐसे वहम, ऐसे डर से जो कि हमें परेशान करते हैं, उससे जो है स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। सबसे पहले जो है हमें समझना होगा कि डर क्या चीज़ है, ठीक है, फियर क्या चीज़ है, डर क्या है। डर है किसी भी अज्ञात अघटित स्थिति जो कि अभी हुई नहीं है, लेकिन केवल उसकी हम मन में कल्पना या संभावना करते हैं कि ऐसा घटित होने से हमें कोई हानि होगी, और वो जो उससे जो फीलिंग क्रिएट होती है उसे डर कहते हैं। यानी कि जो अज्ञात अघटित अनर्थ, अज्ञात अघटित जो भी घटित नहीं हुआ, और जो अज्ञात है, जो अभी जिसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं है, केवल एक थोड़ी सी नॉलेज है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी कल्पना जैसा हमें इमेजिनेशन है, माइंड में एक चित्र खींचा हुआ हमने, तो अज्ञात जिसका, यानी कि पूर्ण, अगर पूरा ज्ञान हो तो फिर हमें डर ही नहीं हो, तो हमें केवल एक पार्ट ही उसका, उसके बारे में पता है कि ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर इमेजिनेशन एक कल्पना चित्र कर लेते हैं। तो अज्ञात अघटित, वो अभी घटित नहीं हुई है, अभी घटित होने की क्या संभावना है, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, तो अज्ञात अघटित, ठीक है, और ये अभी आने को है, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि घटित हो गई है। तो अनर्थ यानी कि कुछ हानि हो जाएगी, अज्ञात अघटित अनर्थ की जो संभावना हमारे मन में तैरती है उसे हम डर कहते हैं। और डर का सबसे पहला कारण क्या है, इग्नोरेंस, अज्ञान। इसीलिए पहला शब्द इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, अज्ञात, कि हमें लगता है कि हमें इस बारे में बहुत कुछ पता है या जानकारी है, नहीं, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी या पूरी नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम उससे डरे हुए हैं, उसका सामना करने से या उस स्थिति को संभालने, कि हमें लगता है कि हमें, हमारे पास वो ताकत, वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि हम उस स्थिति को संभाल सकें जो हमें नुकसान पहुंचाएगी, जिससे अनर्थ, अनर्थ का मतलब नुकसान होगा हमारा। यानी कि डर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अज्ञानता से, और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोगों के लाइफ में जो डर है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है, क्योंकि अभी वो घटित नहीं हुआ, अनिश्चितता की स्थिति है, अनसर्टेनिटी की स्थिति है, तो अनसर्टेनिटी की जो फीलिंग होती है, अनिश्चितता, तो वो तो फ्यूचर के साथ ही है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि फ्यूचर में नहीं रहना। फ्यूचर में जो लोग आगे जीते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, राइट, तो फ्यूचर में जो है आप उसको, अपने आप को जितना ज़्यादा लिंक्ड रखोगे अपने माइंड को, अपने विचारों को, अब उतनी ज़्यादा डरे रहोगे, अनिश्चित रहोगे। तो अनिश्चितता आती है, अनसर्टेनिटी या डर आता है जब हम ज़्यादा समय अपने माइंड को जो है फ्यूचर में इन्वॉल्व कर देते हैं, फ्यूचर में हम लगा देते हैं और उसकी संभावनाओं और उसकी कल्पनाओं पर जो है हम बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं।
तो उससे जो है डर की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जीना है हमने, फ्यूचर के में नहीं जाना। जैसे ही माइंड फ्यूचर में जाने लगता है, वो इमेजिनेशन और कल्पनाएं करने लगता है और गलत नेगेटिव कल्पनाएं करने लगता है, तुरंत अनिश्चितता डर आ जाता है। और जो लोग पास्ट में रहते हैं और जो फ्यूचर में रहते हैं जिनका माइंड, वो हमेशा ही दुखी और परेशान रहते हैं। हम लोग अपने अगर सुखी रहना चाहते हैं, आनंद, आत्मा का आनंद का को टेस्ट चखना चाहते हैं कि वो क्या है, तो हमें दो चीज़ों से पहले तो अपने माइंड से और अपनी लाइफ से फिल्टर आउट करना होगा, वो है एक पास्ट और एक है फ्यूचर। हाँ, जितना हम पास्ट की कोई भी घटना से, किसी भी बात से अपने आप की अपनी तारे दिमाग की जोड़ेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। जिन लोगों का पास्ट बहुत अच्छा रहा है, सुनहरा रहा है, वो भी उसको याद करके दुखी होते हैं कि अब नहीं है। और जिनका बुरा रहा है, वो भी दुखी होते हैं कि हाँ, हमारे साथ इतना गलत हुआ, हमारे साथ इतना अन्याय हुआ। तो पास्ट इज नेवर प्लेजेंट, चाहे वो कितना भी प्लेजेंट रहा हो, वो अनप्लेजेंट फीलिंग ही देगा आपको। आपको लग सकता है कि जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास्ट बहुत सुंदर रहा होता है, बहुत अच्छा रहा होता है, जब उसको याद करते हैं, बिगनिंग के मोमेंट्स उनको थोड़े से कुछ सेकेंड्स के लिए अच्छी फीलिंग देते हैं, रिफ्रेशनेस देते हैं कि ओ कितना अच्छा था। लेकिन जैसे उनको ये रियलाइज होता है कि अब वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मोमेंट तो चला गया, तुरंत फिर क्या होगा, स्टेलनेस आ जाएगी, बासीपन आ जाएगा, दुख आ जाएगा। तो पास्ट इज ऑलवेज पेनफुल एंड अनप्लेजेंट। पास्ट जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है हमारे जीवन में, वो हमारे दुख का कारण है। और अब उसका कुछ हो नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको केवल हमें वाइट, उसे केवल वॉश आउट करना है। तो दिवाली में जो है, जो अगर हमें सफाइयां करनी है, तो सबसे पहले अपने पास्ट की, माइंड से पास्ट की सारी सफाइयां कर दें। किस व्यक्ति ने हमें क्या कहा, किसने हमें चोट पहुंचाई, किसके संबंध से हमें दुख पहुंचा, किससे हमें हानि हुई, किससे हमें लाभ हुआ, किससे हमें दुख पहुंचा या किससे हमें सुख पहुंचा, इन सारी बातों को बिल्कुल निकाल देना है, माइंड से बिल्कुल वाइट वॉश कर देना है। ये असली दिवाली का, तब आप सुख आनंद भोग पाओगे। केवल दीवारें पोतने से, मच्छर हटाने से, या मकड़ी के जाले हटाने से, या मिट्टी हटाने से कुछ खास रिलीफ नहीं मिलने वाला आपको। असली रिलीफ यदि अंदर से आप चाहते हो, परमानेंट रिलीफ, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ, जो सदा सदा रहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो है अपने माइंड से अपने पास्ट को बिल्कुल हटाओ और प्रेजेंट में जियो, आज में जियो, वर्तमान में जियो। ठीक है, हमें कई लोग जो हैं, कई अच्छे बन के अच्छी शिक्षाएं देते हैं, कुछ लोग जो हैं अच्छे बन के बुरी शिक्षाएं देते हैं, कुछ बुरे बन करके हर्ट करते हैं, चाहे जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी बात यदि हमें जो है हमारे प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करती है इन एनी नेगेटिव वे, वो सब भी आपको इरेज करनी होगी अपने माइंड से। नहीं तो जो है हम वो तो जो चीज़ होनी थी वो हो गई, हम उनको हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति विशेष को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इसलिए मैंने एक खास नियम बताया कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं, तो हमें ये ब्लेम गेम से भी निकलना होगा। कंप्लेन करना, शिकायत करना, लाइफ से, लोगों से, परिस्थितियों से, हम शिकायत करते हैं ना बहुत, ये गलत है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सब चीज़ों बेमानी है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, इससे कुछ किसी का भला या हित नहीं होने वाला, इसका कोई आउटकम नहीं है, कुछ पॉजिटिव इसका निचोड़ नहीं है। तो इसको आप हटा दो माइंड से, अब मैं जियो, वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में आओ, कि अब मैं देखो कि अब लाइफ अभी इस समय कैसी है। इस समय ऐसा कोई इर्द गिर्द आपके नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे, कोई आपको कुछ सता नहीं रहा, कोई दुख नहीं है, कोई बॉडी में पेन नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, लाइफ एब्सोल्युटली स्टिलनेस पे, अपनी साइलेंस पे है, अपने चरम मौन और अपनी चरम सुंदरता और अपने चरम प्रकाश पे है। देखो चारों तरफ प्रकाश है, उजाला है, सनलाइट है, बादल हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, पत्तियाँ हैं, फील द मोमेंट,
इस मोमेंट को आप फील करो, देखो कितना अच्छा है, राइट? तो प्रेजेंट मोमेंट में हमने जीना है, पास्ट से बाहर आना है। जैसी पास्ट कोई भी बात माइंड में आती है, अपने आप को सिर्फ इतना कहना है, इतनी अवेयरनेस, इतनी चैतन्यता देनी है, इतना कि ये तो जा चुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम रात की पुरानी गंदी सड़ी सब्जी को जब फेंकते हैं तो उसका उसको लेके बहुत देर तक देखते थोड़ा है कि कैसी है कैसी नहीं है, तो तुरंत फेंक देते हैं। तो कल जो हुआ हमारी लाइफ में, परसों जो हुआ, या पिछले महीनों या वर्षों में हुआ, लेट इट गो, गेट आउट फ्रॉम द माइंड। उसे हम सजा के क्यों रखें, उसके बारे में छानबीन या रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, कोई तत्व नहीं निकलने वाला। जो भी तत्व निकलेगा, कितनी भी गहन रिसर्च करने के बाद यही निकलेगा कि ये किसी काम के नहीं है। और ये, और दूसरा ये निकलेगा कि ये इसको जितनी देर रखा जाएगा ये उतना हमारे हृदय को, हमारी चेतना को दुर्गंधयुक्त करेगा, हमारी कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस चेतना को कहते हैं, कॉन्शियसनेस को पॉल्यूट करेगा। तो इसको बाहर निकालना ही श्रेयस्कर है। इसलिए पास्ट से बाहर आ जाना है, फर्स्ट पहला नियम जो मैं सीखना है लाइफ में, अगर सही बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, और बिल्कुल माइंड एकदम ओपन चैनल्स करने हैं चारों तरफ से, अवेयरनेस पे आना है, तो बिल्कुल सजग अलर्ट माइंड में यदि आना है, यदि योग साधना का मार्ग अपनाना है, ठीक है, योग सिद्धि का मार्ग अपनाना है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, गेट आउट ऑफ योर पास्ट, अपने अतीत से, अपने पास्ट से वर्तमान में आओ। उसके बाद कई लोग जो हैं, खासकर यंग लोग, वो भविष्य में ही टंगे रहते हैं, अगले साल ऐसा हो जाएगा, उससे दो साल बाद ऐसा हो जाएगा, या जब ऐसा हो जाएगा तब मेरे को सुखी होंगी या होऊंगा, ऐसे अपने आप को आश्वासन देते हैं लोग कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा तो मेरे को तसल्ली या राहत मिल जाएगी, राइट? तो जो लोग इतना जितना ज़्यादा ये सोचते हैं, भविष्य में टंगे रहते हैं, वो भी वर्तमान की खुशियों को, वर्तमान के इस प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से रिलिश नहीं कर पाते, अच्छे से इसका आस्वादन नहीं कर पाते, और इसको खो देते हैं। और जब भविष्य वर्तमान बन के आता है, भविष्य भी आपका वर्तमान बन के ये तो आएगा, वर्तमान में आज का जो दिन है ये भी कभी भविष्य था आपके लिए, कि जस्ट कुछ साल पहले आप सोचते मैं कब बड़ी होंगी, या कब ऐसे दिखूंगी, कब ऐसे कुछ कर पाऊंगी अपनी मर्जी से, तो अब वो मोमेंट आया, तो अब आपके कुछ और चीज़ों ने आपको कवर कर लिया आपके माइंड को, कि अब इससे आगे क्या होगा। तो ये टीवी सीरियल की तरह से लटकती रहती है हमारी खुशियाँ, या हमारी सुख के मोमेंट्स, कि हम अच्छे से कब से रिलैक्स होकर के जी पाएंगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपने खुशियों को या सुख को पोस्टपोन करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और आगे बढ़ाते रहें। जो है पहली बात तो अब वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में अपना जीना को सीखो, इतना भविष्य में आगे तक मत देखो। भविष्य में की यदि चीज़ें यदि कोई देखी जाती समझी जाती हैं, तो एक विजन के साथ ही, हाँ, एक लक्ष्य रखे कि हाँ इस ये चीज़ तक हमें पहुंचना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो मार्ग है आपका, आपके भविष्य तक पहुंचने का जो एक मार्ग है, उसको सबसे पहले जीना, सबसे इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ और पूरे हृदय के साथ जीना, वो चीज़ सीखनी चाहिए। अगर आपने अपने मार्ग को, अपने लाइफ के जीवन यात्रा को रिलिश करना नहीं सीखा, तो कुछ नहीं सीखा फिर। हमारे लिए हमारा लक्ष्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वास्तव में हमारा मार्ग इम्पॉर्टेंट है। सभी लोगों को शुरू से ये कंडीशन्ड माइंड दे दिया जाता है, सोसाइटी से, स्कूलिंग से, पेरेंटिंग से, पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, कि जो है तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य ही सब कुछ है और यही सब कुछ है। कोई भी ये ढंग से नहीं सिखाता कि नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मार्ग है। मार्ग लंबा होगा, लक्ष्य एक कुछ क्षण में आ करके फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और चीज़ नए लक्ष्य बन जाएगी, लेकिन जो यात्रा है, इनिशियल पाथ है, वो हमेशा चलता रहता है, हर एक लक्ष्य के बाद और हर एक लक्ष्य से पहले। मार्ग जो होता है, जीवन यात्रा का जो मार्ग है, वो हर एक लक्ष्य से पहले भी रहता है और हर एक लक्ष्य के बाद भी चलता है। वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए हमारे लिए। वो यात्रा जो है सुखद होनी चाहिए, जिसकी यात्रा सुखद है, जीवन यात्रा, लाइफ जर्नी, तो उसका तो अपने आप ही लक्ष्य सही होगा और सुखद होगा और स्वयं इजीली स्पॉन्टेनियसली प्राप्त हो जाएगा। जिसकी जर्नी पेनफुल है, इतनी पेनफुल है, उसका अगर लक्ष्य सुखद मिल भी जाता है, तो भी
उसके उसको जो उसकी जिससे जो रिलीफ मिलती है कुछ क्षण की बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसके दिमाग में वही कंडीशनिंग आ जाती है कि अब इसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरी पेनफुल जर्नी लेनी है। अब आपने जो एक लक्ष्य आपको मिल गया, अब आपको उसको मेंटेन करना है, उसको एक्सपैंड, उससे और बढ़ाना है और उससे और अधिक कुछ मुकाम हासिल करना है, तो आप एक और फिर एक पेनफुल जर्नी अडॉप्ट कर लेते हो। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसे लक्ष्य का? तो मोर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर लाइफ जर्नी, आपकी जीवन यात्रा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जीवन यात्रा को किस तरह से जीते हो, किस तरह से समझते हो और किस तरह से उसे हर एक मोमेंट को उसको रिलिश करते हो। अगर आपने आज हर एक पल को आज को जीना सीख लिया तो आप अपने कल को भी अच्छे से जी सकते हो और हर एक क्षण को अच्छे से जी सकते हो। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले अपने वो होगा अपनी थॉट मैनेजमेंट से, थॉट्स को फिल्टर करना आना चाहिए कि कौन से थॉट्स जो हैं हमें डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि थॉट्स के अंदर हम खुद ही शक्ति डाल देते हैं, अपनी फोकस, अपनी चेतना, अपने कॉन्शियसनेस के द्वारा। थॉट्स एक बबल्स की तरह से हैं, बुलबुले की तरह से हैं, उनके अंदर अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो न्यूट्रल हैं अपने में, लेकिन हम उसमें जैसी फोकस डालते हैं उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, उसकी केमिकल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और वो फीलिंग्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और फीलिंग्स से हमसे सबसे ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं। इमोशंस से, हम फीलिंग्स से, भावनाओं से सबसे ज़्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं। थॉट अपने में एक न्यूट्रल एस्पेक्ट है जिसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। हम अपनी आउटलुक से, अपने नज़रिए से उसके अंदर ध्यान डाल करके उसके अंदर से फीलिंग क्रिएट करते हैं, नेगेटिव की या पॉजिटिव की। कोई एक सोच सकता है कि ओह मैं मेरे को जो है ये आर्किटेक्ट बनना है, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट हो सकती है, आर्किटेक्ट बनना है ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है, बहुत खुशी की बात है। एक दूसरे व्यक्ति के लिए वो इतना बड़ा मेरे बस का नहीं होगा, बड़ा कठिन होगा, बड़ा इसमें प्रॉब्लम आएंगी, इतना खर्चा होगा, इतनी मेहनत होगी, इतना इसमें दिमाग लगेगा, इतने साल लग जाएंगे बनते हुए। तो देखो वो नेगेटिव, तो उससे उसको नेगेटिव फील होने लगा। और दूसरी तरफ पॉजिटिव आउटलुक वाला सेम विचार में जब अलग फीलिंग से जब उसे देखता है, अलग आउटलुक से, अलग फोकस से, उसे एक्साइटमेंट हो रही है, तो दोनों की अलग अलग फीलिंग्स निकलने लगी एक ही थॉट से कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है। अप्रोच कि किस तरीके की हमारी अप्रोच है, किस तरीके की हमारी उसके अंदर ध्यान करने की प्रवृत्ति है, उस बबल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं थॉट के अंदर, तो वो फीलिंग्स उस तरीके की फीलिंग्स से वो रिएक्शन देने लगे। तो सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली लगातार हमारा माइंड जो है, हमारे जो अंतःचेतना जो है बम्बार्ड होती रहती है थॉट्स से, अलग अलग थॉट्स का जो एक हमला है, ड्रोन हमले की तरह से हमारे चेतना को, हमारे दिल को वो ऊपर से गिरते रहते हैं कई सारे थॉट्स की बरसात होती रहती है लगातार, और हमें उस चीज़ को काबू करना है, उस चीज़ को समझदारी से के साथ जो है काबू करना है। शुरुआत में उसमें जो है अलर्टनेस और अवेयरनेस चाहिए, हमें अलर्ट और जगह अवेयरनेस चाहिए कि हाँ ये थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी तो हमें तो बिल्कुल ही, हम बिल्कुल इनोसेंट फूल्स की तरह से, बिल्कुल मासूम मूर्ख की तरह से जो है बिल्कुल बैठे हुए, कोई सब थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमें कितने हमें थॉट्स माइंड में पोर इन हो रहे हैं, कितने आते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, एक उसमें कैमरा लगा देना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे आपका घर है, खुला हुआ दरवाज़ा है, खुला हुआ गेट है, कोई भी यात्री, कोई भी वहाँ से गुजरने वाला सब आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और घर गंदा कर रहे हैं, कोई कुछ कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर आपको कोई चेतना देता है कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप जो है यहाँ पे वीडियो कैमरा लगाओ और देखो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है और किस वक्त आ रहा है किस वक्त जा रहा है। तो आप वीडियो कैमरा लगा देते हो, अब आपको पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप उस पर चेक पॉइंट लगा सकते हो कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, किसको अंदर आने दिया जाएगा और किसको नहीं आने दिया जाएगा, और एक गार्ड वहाँ पर तैनात कर दो कैमरे के साथ। हमारी चेतना ही गार्ड और हमारी चेतना का दूसरा ही सिरा जो कि विटनेस, जो कि कैमरे की तरह से वहाँ पर काम कर सकता है, अवेयरनेस, चेतन्यता जिसे कहते हैं, अवेयरनेस ऑन गार्ड जब रहती है कि हम अपने आप को ही अपने से चेतना देते हैं कि हमें जो है अब ये काम करना है, इस तरीके से करना है,
हमें अपने विचारों पर नजर रखनी है, ठीक है, अपने विचारों पर नजर रखनी है कि कौन से और कैसे विचार आ रहे हैं हमारे मन के भीतर। तो उस तरीके का कैमरा और उस तरीके की एक गार्डियनशिप अपॉइंट करनी है, गार्ड अपॉइंट करना है। वो हमारे मन के भीतर से हमारी स्वयं की चेतना ही है वास्तव में।